पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ फोर्स टू 20 न्यूटन अप्लाइड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब यहाँ एक तो कोई फ्रिक्शन नहीं दिया गया, ऊपर से उसने फोर्स को कहा है 20 न्यूटन अप्लाई किया गया 60 डिग्री पर, लेकिन आपसे यहाँ पर देखो उसने ये नहीं कहा कि पुलिंग फोर्स है या पुशिंग। तो आपको हमने बताया था कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप हमेशा आप पुलिंग फोर्स मानेंगे, खींचने वाला। इसलिए देखो यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया वो ऐसे लगा दिया गया है 20 न्यूटन पुलिंग कंडीशन में एट एन एंगल 60 डिग्री। फाइंड द वर्क डन इन जूल बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। तो अब हमें ये पता है कि भाई वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, तो उसने एफ तो आपको दे दिया 20, उसने एंगल भी दे दिया 60, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दिया। तो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए एक्सलेशन। तो एक्सलेशन हमने देखा, तो एक्सलेशन निकालने का तरीका बताया गया कि डायरेक्ट आप एफ अपान एम नहीं कर देंगे। एफ अपान एम करोगे तो पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो कि अभी हुआ भी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट बताया गया कि जब भी आप एज इक्वल टू फोर्स अपान मास लिखेंगे तो इसमें वही फोर्स लिखेंगे जो एक्सलेशन की या तो डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो। परपेंडिकुलर वाले को आप छोड़ देते हैं और किसी एंगल पर होता है तो उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, जैसे यहाँ किया गया। तो एक्सलेशन की डायरेक्शन में है एफ कॉस 60, उसको लिखा, परपेंडिकुलर वाले को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई मास। तो यहाँ पर वैल्यूज रखने पर आया 2 m/s². अब आप एस निकालो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो हाफ और ए की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 2, और टी स्क्वायर, टी कितना दिया गया है 10 सेकेंड आपको दिया गया, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ गया 100 m। अब आप लगा सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस 60, एफ एस कॉस 60 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 1000 joule। ठीक है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये तो कोई वर्क करेगा नहीं, तो सिर्फ यही वर्क करेगा, तो यहाँ पर पूरा फोर्स क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर 20 न्यूटन ये पूरा फोर्स क्यों रख रहे हैं जब यही वाला सिर्फ वर्क करेगा। तो आपको वहां पर क्या बताया गया था कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप इससे निकालोगे तो यही तो लिखोगे, अलोंग द डायरेक्शन जो कंपोनेंट की डायरेक्शन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो लेंगे और इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो आप क्या करोगे, एफ कॉस 60 इनटू एस करोगे ना, तो वही तो यहां लिखा गया। तो चाहे उसको एफ एस कॉस 60 लिख दो और चाहे ये कंपोनेंट करके फिर इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है ना, आएगा तो वही आंसर जो यहां पर लिखा गया। ठीक है, तो आपको जब वर्क लिखना है तो सीधे जो टोटल फोर्स है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है और जो उनके बीच का एंगल है वो लिखेंगे, बाकी एक्सलेशन में जो तरीका बताएगा वो एक्सलेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ मैन मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg ऑन हिज हेड, इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 m विद एन एक्सलेशन 6 m/s², कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन ऑन द बॉक्स ड्यूरिंग द मोशन। मतलब आदमी बॉक्स लेकर चल रहा है रोड पर, वर्क डन आपसे पूछा गया है। दो आंसर सुनाई पड़ रहे हैं, 0 फर्स्ट ऑप्शन और 4th नन। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा, वैसे कई लोगों ने अभी 0 भी आंसर दिया, तो 0 यहां पर नहीं होगा, वो पुरानी बात है जब हम छोटे थे तो पूछा था ना, एक कुली बॉक्स लेकर अगर चल रहा है तो कितना वर्क करेगा, 0। अब बड़े हो गए तो क्वेश्चन भी बड़ा हो गया, अलग हो गया। तो क्वेश्चन में आप देखो कि जैसे वो जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने छोटे पर सीखा कि कोई बॉक्स लेकर चल रहा है तो वर्क डन 0 होगा, तो वहां पर सिर्फ आपसे कहा जाता है कि वो चल रहा है, मतलब वहां पर कुछ और नहीं मेंशन किया जाता है। तो जब सिर्फ चलने की कंडीशन होगी तो आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मानेंगे, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो वो चल रहा है लेकिन एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो ये डिफरेंट केस हो जाएगा। तो अगर इसमें ये एक्सेलरेशन ना दिया गया होता, सिर्फ वो कहता इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 m, तब आंसर उसका जो होता वो क्या होता, 0, लेकिन यहां पर 0 नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। तो जैसे यहां पर हॉरिजॉन्टल रोड की कंडीशन दी गई है, हॉरिजॉन्टल रोड पर कोई भी मैन है, ठीक है, तो ये जैसे यहां पर एक बॉक्स लेकर चल रहा है, अब यहां पर उसने आपको कहा है कि उसके पास एक एक्सलेशन है a इज इक्वल टू 6 m/s². तो अगर इस मैन के पास एक्सलेशन है तो फिर ये जो बॉक्स इसने रखा हुआ है अपने ऊपर, तो इसको भी तो उसे एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो तो साथ में लेकर चलेगा ना, तो
तो अगर मैन का एक्सलेशन है तो बॉक्स का भी तो उतना ही एक्सलेशन रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर बॉक्स का एक्सलेशन है, मतलब उसने बॉक्स को एक एक्सलेशन दिया है, तो वो कैसे देगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा ना, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा और फोर्स की वजह से ही एक्सलेशन जनरेट होगा। तो इसका मतलब यहां पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितना है, फोर्स ऑन बॉक्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो मास कितना है बॉक्स का, 2 किलोग्राम, और एक्सलेशन कितना है, 6, तो ये कितना आ जाएगा, 12 न्यूटन। ठीक है, मतलब 12 न्यूटन का फोर्स इस मैन को लगाना पड़ेगा बॉक्स पर, तब ये उस बॉक्स को लेकर चल पाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से। तो उसने पूछा है वर्क डन कितना हो जाएगा, जबकि वो कितना चलता है यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, 20 मीटर। तो वर्क अगर आपको निकालना है तो W इज इक्वल टू F, अब इसी डायरेक्शन में वो चल रहा है, मतलब जो S है सेम डायरेक्शन हो गया, S इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर। तो फिर यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 0, और F की वैल्यू है 12, S कितना है 20, और cos 0 की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा, 240 जूल। ठीक है, तो इसमें तो कोई आंसर है नहीं, तो नोट कर लें। नोट कर लेना आपने। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप, अब क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, ठीक है, आगे हम कुछ बताएं ना बताएं वो अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ पर जैसे हम बताते चलेंगे तो फिर जो जैसे छोटे छोटे कभी कभी कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में आते हैं वो फिर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जैसे ये पर्सन ने अपने सर पर इसको रखा होगा उठाकर, तो सर पर रखेगा तो यहाँ से जब वो ऊपर बॉक्स को रखेगा जाकर, अगर उस कंडीशन में वर्क पूछा जाता कि ये अपने सर पर रख रहा है तो कितना वर्क करेगा, तो वर्क 0 नहीं होता, तब तो वो ग्राउंड से उठाकर ले जाता ना। तो अगर ग्राउंड से कोई चीज एम मास ऊपर उठाकर ले जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट में बताया गया था वर्क डन बाई ग्रेविटी का होगा माइनस एमजीएच, तो आपको उतना ही प्लस में करना पड़ेगा एमजीएच। तो अगर ये उठाकर अपने सर पर रखता तो जितनी इसकी हाइट होती, मतलब जितनी ऊंचाई तक ले जाता, उतना एमजीएच में वर्क इसको करना पड़ता। लेकिन उसने ये तो कहा नहीं, उसने क्वेश्चन में कहीं ये कहा नहीं, उसने कहा बस मैन वो जा रहा है, मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से, तो वो 20 मीटर चलता है तो कितना वर्क करेगा, तो वो सर पे रखा हुआ है बॉक्स और वो ऐसे बस जा रहा है, तो सिर्फ आपको यहां से यहां तक जाने में जो वर्क होगा, यहां तक पहुंचने में, वो आपको निकालना है। अब इस डायरेक्शन में जब वो जाएगा यहां पर, तो इसमें ये भी है कि जो जैसे सर पे इसने रखा होगा तो यहां पर एक इसका एक्शन भी होगा डाउनवर्ड, इसका वेट भी होगा, इसके ऊपर एक्शन लगेगा, तो इस बॉक्स का एक वेट होगा mg, और इस पे एक्शन होगा तो एक रिएक्शनरी फोर्स भी होगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जो mg और r होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता कि मैन यहां से यहां जा रहा है, बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ, 0, क्योंकि ग्रेविटी ने वर्क 0 किया यहां पर, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स mg इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, परपेंडिकुलर हो गए ना, वर्क डन क्या हो गया, 0। तो आप कोई भी क्वेश्चन जब होगा तो ध्यान से पढ़ना कि वो उसमें पूछ क्या रहा है। जैसे वो कहता है रिएक्शनरी फोर्स के कारण वर्क कितना हुआ, अगेन 0, क्योंकि रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो R और mg दोनों यहां पर वर्क क्या करेंगे, 0। अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा उसमें हमने ये भी पूरा करवा रखा है, अलग अलग हर चीज के कारण वर्क निकलवा रखा है, तो आप यहां पर इन चीजों को ध्यान दें। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर एक और देखना है, उसने कहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाई द मैन, मैन के द्वारा, और किस पर वर्क निकालना है, ऑन द बॉक्स। ठीक है, मतलब सिर्फ मैन ने बॉक्स पर कितना वर्क किया, सिर्फ वो आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। अगर वो टोटल वर्क पूछता तो मैन को खुद को भी तो 20 मीटर ले जाना पड़ेगा, तो खुद को भी यहां से यहां तक ले जाना है तो उसे अपने लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। इसका मास अगर दिया होता तो हम ये बता लेते कि इसने अपने को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए खुद पर कितना फोर्स जनरेट किया, तो वो फोर्स पता चल जाता, डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता, तो हम ये निकाल लेते कि इस मैन को अपने लिए कितना वर्क करना पड़ा और बॉक्स के लिए कितना वर्क करना पड़ा, दोनों अलग अलग पता चल जाते, और अगर टोटल पूछा जाता तो दोनों को हम ऐड कर देते। मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज को समझो कि वो लैंग्वेज क्या दे रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे जो ये भी हमने बात बताई है ये आगे कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा। जैसे अभी ये जो बताया कि मैन को भी अगर हम इंक्लूड कर लें
तो क्या करेंगे या कैसे वो लैंग्वेज दी जाएगी, अगले क्वेश्चन में वही चीज है यहां पर, ठीक है। अ मैन वेइंग 55 किलोग्राम सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम ऑन हिज हेड, मतलब 55 किलोग्राम का है मैन और 20 किलोग्राम की बॉडी को उसने सर के ऊपर रखा हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाई हिम इफ ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब उसने क्या कहा, आपको वर्क कैलकुलेट करना अगर वो 20 मीटर चलता है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, मतलब इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट यहां पर जो है उसमें क्या कहा ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, तब वर्क डन क्या होगा, अपॉन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1:5, जी की वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें भी हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, तो पहले तो हम सबसे पहला वाला पार्ट कर लेते हैं जिसमें उसने कहा है कैलकुलेट वर्क डन बाई हिम। अब उसने ये नहीं कहा वर्क डन बाई हिम ऑन द बॉक्स, उसने टोटल वर्क पूछ लिया आपसे, कैलकुलेट वर्क डन बाई हिम, तो वर्क डन बाई हिम का मतलब वो टोटल कितना वर्क करेगा या उसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वो आपको यहां बताना है, यानी कि टोटल खुद के लिए भी और बॉक्स के लिए भी, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि वर्क डन बाई मैन ऑन द बॉक्स, इसमें उसने ऐसा नहीं कहा कि वर्क डन बाई मैन ऑन द बॉक्स, उसने कहा वर्क डन यहां पर क्या होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी टोटल वर्क डन होगा अगर वो हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहा है जो पहली कंडीशन है, तो अगर कुछ एक्सेलरेशन मेंशन नहीं किया गया, जैसे अगर हम कह दिया जाए कि हम यहां पर वॉक कर रहे हैं चल रहे हैं, तो हम माने जाएंगे कि हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई एक्सेलरेशन तो अज्यूम कर नहीं सकते, तो हम अपने आप को मानेंगे कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से, या किसी भी मैन को माना जाएगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि अगर यहां पर यही वाली कंडीशन आ जाएगी, तो इस कंडीशन को अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करिए, तो जैसे ये मैन है और ये मैन यहां पर इस तरीके से, और इसने एक बॉक्स ले रखा है यहां पर, तो इस बॉक्स को लेकर ये इधर जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से जा रहा है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आप यहां पर मानेंगे। अब वो सिर्फ चल रहा है ऐसे, और कितना जाएगा 20 मीटर, तो s की वैल्यू क्या हो गई 20 मीटर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये इंप्लाई करेगा एक्सेलेरेशन जीरो, और ये इंप्लाई करेगा फोर्स जीरो, और अगर फोर्स जीरो है तो जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि w इज इक्वल टू जब आप लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा या कॉस जीरो, तो फिर यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है जीरो, तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट करेंगे, तो पहले आप पहला वाला पार्ट नोट कर लो, नोट कर लिया ना सभी ने। अब आप देखो यहां पर अगला पार्ट है अपॉन अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ 1:5, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जिसके ऊपर वो चलेगा और 1:5, लेकिन वहां पर भी सिर्फ चलेगा तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन अगर वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चलेगा तब क्या आंसर उसका जीरो होगा या कुछ और होगा, ये हमें देखना रहेगा। लेकिन उससे पहले जरा इस बात को समझ लें, ये जो लिखा हुआ है 1:5, क्योंकि ये हमने पहले कहीं आपको नहीं बताया, ये कहीं पर भी यूज कराया जा सकता है, तो यहां मुझे पता ही था कि आगे हमने डाल रखा है तो यहां पर आएगा ही, तो वहां पर तो हम चीजें सीख रहे थे। और अब यहां पर ये 1:5 ये मैथमेटिकल पॉइंट है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि 1:5 का मतलब क्या है। जैसे यहां पर लिखा गया है 1:5 इंक्लाइन प्लेन के लिए, तो इसका मतलब यहां पर रहेगा कि अगर आप कोई इंक्लाइनेशन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं ऐसे, तो इसका मतलब हो गया कि आप अगर यहां पर एंगल थीटा आप मान लो, तो ये बता रहा है कि जब आप इस डायरेक्शन में, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आप चलेंगे 5 मीटर, मतलब यहां पर आप कितना चलेंगे 5 मीटर, मान ले यहां तक पहुंचे 5 मीटर, कितना भी जा सकते हैं, तो अगर उसने 1:5 दिया तो उसने इसका मतलब बताया कि जब आप इधर 5 जाएंगे तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। अब वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, वो अलग बात है, यूनिट जो भी होगी वो आप रख सकते हैं, कुछ नहीं दिया गया आप कुछ मत रखो, ठीक है, आप यहां पर यूनिट हटा दो, यहां से भी हमने हटा दिया यूनिट और यहां से भी हटा दिया, ठीक है, मतलब यूनिट तो कुछ भी हो सकती है। तो आपको अगर उसने कहा है 1:5 तो उसका मतलब है
कि 5 ऐसे चलेंगे तो 1 वर्टिकल आएगा। तो अगर ऐसा है तो फिर यहां से हमें पता चल गया कि साइन थीटा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा ना, साइन थीटा पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1 तो आप सीधे याद कर लो कि जैसे उसने कहा 1 in 5, तो साइन थीटा सीधे लिख दो 1/5। जैसे उसने यहां पर लिखा होता 2 in 7, तो साइन थीटा कितना हो जाता, बस सीधे लिख दो आप 2/7। जैसे उसने कह दिया होता 5 in 3, तो साइन थीटा कितना हो जाता, दिमाग भी लगाना रहता, 5/3 होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो 5/3 नहीं होगा क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है, वो तो ऐसे मैंने लिख दिया था। तो 2 in 7, 1 in 5 कुछ भी लिखा गया है तो आप यहां पर लिख सकते हैं इसी तरीके से, 1 in 5 लिखा गया 1/5, 2 in 7 लिख दिया गया 2/7, कुछ भी लिखा गया है इस तरीके से तो आप उसको साइन थीटा में लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं होगा क्योंकि 5 in 3 का मतलब आप 5/3 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा। जैसे इसको ये नहीं कि चलो हम 3/5 लिख लेंगे, तो अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, जो बताया गया वही लिखेंगे 2 in, तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया कि हमें ये जो दिया जाता है 1 in 5 वगैरह इसका क्या मतलब है वो आपको बता देगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि वो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा है 1 in 5 वाले पर, तो आप जरा देखो यहाँ पर, तो यहां पर एंगल हमने मान लिया थीटा, तो एक बात तो क्लियर ही हो गई कि साइन थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है 1/5। 1/5 होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरा 5 होगा और ये पूरा 1 होगा, हमने यहां पर क्या बताया 1 in 5 का मतलब है कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन होगा वो इस तरह के एंगल पर होगा कि जब इधर 5 चलोगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहां पर साइन थीटा 1/5। अब इस पर मैन जा रहा है, तो जब आप यहां पर दिखाएंगे इसके ऊपर मूव करते हुए तो कंडीशन क्या बनेगी जरा देखते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, तो जब वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आ जाएगा तो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर उस पर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा, एमजी साइन थीटा। अब हमें दिखाने की तो जरूरत है नहीं कि ये एम जी होगा ये थीटा होगा, पता है आर और एम जी कॉस थीटा तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होंगे, तो उनसे तो कोई हमें लेना देना है नहीं, वो वर्क उसके लिए तो कुछ करना नहीं। ये जो इधर होगा वो एम जी साइन थीटा होगा, लेकिन यहां पर आप देखो उसने आपसे कहा है कि आपको वर्क डन बाई हिम मतलब टोटल वर्क निकालना है क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर मास देखें तो एक का मास है मैन का 55 और इसका क्या है 20, तो हम लोग ये दोनों मास यहां पर ले लेते हैं, मतलब हम लेंगे 55 एंड प्लस 20। हम डायरेक्ट जोड़कर भी लिख सकते थे लेकिन हमने अलग अलग लिखा जिससे कि आपको क्लियर रहेगा क्या किया गया, और इंटू जी साइन थीटा, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। तो इस मैन को जो फोर्स जनरेट करना पड़ेगा खुद पर इस डायरेक्शन में, अगर ये मैन चाहता है ये इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाए, तो जितना अपोज कर रहा है फोर्स उतना ही फोर्स इसको इधर लगाना पड़ेगा तभी तो चढ़ पाएगा, इतना फोर्स लेकर ये आगे की तरफ जब जनरेट करेगा तब ये इसको लेकर आगे जा पाएगा। तो जो टोटल रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर रिक्वायर्ड फोर्स एफ इज इक्वल टू 55 प्लस 20 इंटू जी साइन थीटा। अब आप यहां पर वैल्यूज डालो तो ये 75 हो जाएगा, जी की वैल्यू आपको दे दी गई है 10, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 10 और इंटू साइन थीटा क्या है 1/5, यानी कि आ जाएगा कितना 150 न्यूटन। अब 150 न्यूटन आ गया, अब देखो जरा वो कितना मूव करता है 20 मीटर, 20 मीटर मूव करता है ना, तो आप यहां पर जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां पर है वो मान लिया यहां तक है, कहीं तक भी हो सकता है, तो ये मान लिया कितना है 20 मीटर, ये s हो गया, ठीक। तो ये यहां पर आ जाएगा s की वैल्यू 20 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, जब वर्क डन लिखेंगे तो लिखेंगे f और यहां पर लिखेंगे s और यहां पर cos और यहां पर क्या लिखेंगे cos, क्या लिखोगे cos थीटा होगा, तो थीटा यहां पर क्या होगा
जीरो का, ये वाला थीटा मत लिख देना कि क्वेश्चन में कहीं का भी थीटा उठाकर यहां रख दो। ये वाला थीटा कौन सा होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स भी उधर ही लग रहा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। तो यहां पर जो हम कॉस थीटा रखते हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल रखते हैं, दैट इज जीरो डिग्री। तो ये कॉस जीरो वन होता है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस, फोर्स की वैल्यू है 150 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो ये आ जाएगा 3000। When a rubber band is stretched by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constants. ये restoring force आपको दिया गया है यहाँ पर, और पूछा गया है यहाँ पर the work done in stretching the unstretched rubber band by L is. अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, उसने कहा the work done in stretching. अब यहां से आपको समझना है कि वो वर्क डन किसके द्वारा पूछ रहा है। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड बाई एलिस, मतलब जो यहां पर वर्क है वो कितना करना पड़ेगा स्ट्रेच करने में द अनस्ट्रेच्ड रबर बाई एल, मतलब जो अनस्ट्रेच्ड रबर बैंड है उसको एल डिस्टेंस तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट ही तो करेगा वर्क। तो वो ये भी पूछ सकता था रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या वर्क होगा, तो वो तो नहीं लग रहा है ना। लैंग्वेज को समझना पड़ेगा आपको, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग मतलब वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको स्ट्रेच करने में अनस्ट्रेच रबर बैंड को। तो आप यहां पर देखो कि ये जो रबर बैंड वाला कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल स्प्रिंग वाला ही तो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हैं छोड़ देते हैं वापस चली जाती, वैसे रबर बैंड भी तो होता है, खींचते हैं छोड़ते हैं वापस वो चला जाएगा। तो आप यहां पर इसे इस तरीके से देखो कि मान लेते हैं यहां पर एक रबर बैंड है और इसको आपने यहां पर एक फोर्स लगाकर खींचा। तो जब आप यहां पर एक फोर्स लगाते हैं इस तरह से, आपने एक फोर्स लगाया यहां पर, अब ये जो फोर्स लगाकर इसको आप खींचेंगे तो जैसे स्प्रिंग में होता है ना अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है, तो यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो जो ये वाला फोर्स होगा इसको हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स है यहां पर, इस फोर्स को क्या नाम दिया जाएगा? रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक, जो अंदर जनरेट होता है अपोजिट फोर्स जो जनरेट होता है, और ये जो फोर्स लगाया जाता है ये होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट। बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब आप अगर इसमें फोर्स लगाएंगे तो आप ही तो काम करेंगे, तो वही वर्क उसने पूछा है वर्क डन। और अगर आप इधर की तरफ फोर्स लगाकर खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, जो भी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो उसने कहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट आपको कितना करना है, जीरो से लेकर एल तक, मतलब इसको टोटल आपको कितना खींचना है, टोटल आपको इसके जो टोटल खींचना है वो कितना एल तक खींचे। कहीं भी हमने बना दिया, कोई हम वो नहीं दिखा रहे हैं, जैसे हम खींचते हुए ले जा रहे थे, मान लिया पहले ये इस लोकेशन पर होती रबर, फिर हमने इसको खींचना स्टार्ट किया तो हम यहां तक ले गए, तो यहां से यहां तक वो क्या हो जाएगा? एल। तो कोई भी लेंथ आपको एल खींचना है, यानी कि जीरो से आप एल तक उसको खींच कर ले जाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसे, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम यहां पर बना देते हैं तरीके से, कि मान लिया उसने यहां से खींचना स्टार्ट किया यहीं से F फोर्स, तो ये एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और यहां से वो इसे कितना खींचकर आगे ले जाएगा? L डिस्टेंस तक ले जाएगा, यानी कि जीरो से L तक वो उसे खींचेगा। तो आपको वर्क डन बताना है बाय एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच्ड बार, यहीं से क्लियर है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको यहां पर, ठीक है। तो आप यहां पर सोचो कि ये हम बार बार क्यों आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि अगर उसने यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है तो वो प्लस में आएगा, क्योंकि ये एफ और एल दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर उसने पूछा होता कि जो ये यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स है ये कितना वर्क करेगा तो आंसर आता माइनस में,
क्योंकि ये एफ और ये एल दोनों कैसे हैं अपोजिट, तो इसीलिए ये समझाया जा रहा है। बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये रहेगा, जो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए वही डिस्प्लेसमेंट इसके लिए होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन वाइज दोनों अलग अलग हैं, तो वर्क एक के लिए प्लस और दूसरे के लिए माइनस होगा। तो हमें निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। तो आप यहां पर अब जैसे यहां देखो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स आ गया ना, ठीक है। तो वेरिएबल अगर फोर्स है तो आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे ये वेरिएबल फोर्स वाली कंडीशन आपको बताई गई थी, तो अलग से भी मैंने बता दिया था कि अगर वहां पर सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स वाई जेड होगा तब क्या करेंगे, वो अलग बताया गया था। और अगर कोई एक वेरिएबल है तो डायरेक्ट आप यहां पर वर्क लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक काम करते हैं हम यहां पर लिख देते हैं एफ डैश, ठीक है। तो आपको ध्यान रहेगा और साथ में यहां लिख देते हैं एफ डैश इज इक्वल टू एफ। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखकर समझ जाएंगे कि जब हम W यहां पर निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं एफ डैश इंटू डी एक्स, एस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां सिंबल उसने क्या दिया x, तो हम dx लिख रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये हम एफ डैश की वजह से वर्क निकाल रहे हैं और एफ डैश जो यहां पर है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये वर्क होगा प्लस। अब ये एफ डैश की वैल्यू रहेगी के बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे एफ डैश इज इक्वल टू एफ है, तो आप यहां f की वैल्यू क्या है रख देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स बी एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है। ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो जीरो से और कहां तक इंटीग्रेट करना है l तक, आप यहां इंटीग्रेट कर लो। अब इसके आगे क्या इंटीग्रेशन, जो कि हम लोगों को पता ही है ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एन प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा। आप यहां पर लिमिट लगा देंगे एल और जीरो, तो एल रखेंगे तो आ जाएगा यहां पर जीरो रखने पर तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ए एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, ए एल स्क्वायर बाई टू बी एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फर्स्ट ऑप्शन करके।